एब्स्ट्रैक्ट ब्रांड के बारे में आप सब जानते ही होंगे, वॉच सेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग ब्रांड्स हैं। इनकी वॉच भी मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। अब इन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे म्यूजिक सेक्शन में भी एंट्रेंस ले रहे हैं। और आज हमारे पास है फास्ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स FB1 वायरलेस नेक बैंड। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित प्रिथियानी एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर लेजी टेक। सबसे पहले हम करेंगे बॉक्स की अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या क्या हमें कंटेंट मिलने वाला है। फिर हमेशा की तरह हम चेक करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस, और धीरे धीरे एंड तक पहुंचते पहुंचते हम डिसाइड करेंगे 1800 रुपीज से इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस रेंज है, क्या इस प्राइस को ये जस्टिफाई करता है कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the box of the Fast-Track Reflex Tunes FB1 Wireless Neckband you will be getting once the product is reached to you। अच्छी खासी यहाँ पे आपको decent packaging देखने को मिल जाएगी। एंड अगर हम बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको exact pricing mention किया गया है 1800 rupees approximately, और इसका original price भी यही है। So now let us just quickly unbox this thing and let's see what all we get inside this decent box। सो बॉक्स के अंदर आपको ये सब कंटेंट मिलने वाला है, हम एक एक करके फटाफट चेक करेंगे क्या हमें मिलने वाला है। सबसे पहले आप आपको मिल जाएगा यूजर मैनुअल, अच्छा खासा लुक एंड फील का कलर कॉम्बिनेशन का आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड सी ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस नेक बैंड। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग केबल। सो एटलीस्ट मेरे हिसाब से इनको टाइप सी का चार्जिंग केबल देना चाहिए था, बट यू विल बी गेटिंग अ माइक्रो यूएसबी ऑफ चार्जिंग केबल टू चार्ज योर नेक बैंड एंड सम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर कप्स, यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू योर ईयर कम्फर्ट। एंड अगर हम इसको हम रखते हुए फटाफट मेन प्रोडक्ट पे आएंगे, दिस इज द नेक बैंड यू विल बी गेटिंग। और देखा जाए अच्छा खासा आपको व्हाइट कलर का नेक बैंड देखने को मिल जाएगा, और जो इसका नेक बैंड का स्ट्रैप दिया गया है बिल्कुल आपको रेक्टेंगल शेप का दिया गया है। दूसरे नेक बैंड्स में आपको यूजुअली राउंड शेप का आपको नेक बैंड देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको रेक्टेंगल शेप का देखने को मिल जाएगा। अच्छा खासा यूनिक डिजाइन लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा खासा मटेरियल यूज़ किया गया है, बिल्कुल ड्यूरेबल मटेरियल है, इसे खराब होने के चांसेस नहीं है। यहाँ इस सेट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और बिल्कुल आपको मेटलिक मैट फिनिश का लुक एंड फील मिल जाएगा। एंड ऐसे कोई डेडिकेटेड बटन नहीं दिया गया यहाँ पे। एंड अगर हम दूसरे सेट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेटलिक मैट फिनिश के साथ साथ आपको यहाँ पे देखा जाए तो स्लॉट मिलने वाला है, माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग स्लॉट, इससे आप अपने नेकबैंड को चार्ज कर सकते हैं। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 3 मल्टीफंक्शन बटन्स, इनके थ्रू ही आप सारे के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। मैं आगे एक्जैक्टली बताऊंगा कैसे मल्टीफंक्शन बटन्स वर्क करते हैं। एंड अगर हम थोड़ा नीचे साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको वायर मिल जाएगी नेकबैंड की, और काफ़ी पतली सी वायर आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बड्स जो कि अच्छे खासे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, ग्रे और आपको वाइट का कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मेटलिक बड्स आपको मिल जाएंगे। एंड साथ ही में इन बड्स को हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों में ही फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग लगी हुई मिल जाएगी, और ये मेटलिक बड्स बिल्कुल आपको मैग्नेटिक लॉक्स के साथ आने वाले हैं, ऐसे कोई डेडिकेटेड फंक्शन की तरह काम नहीं करते हैं, सिंपली ये मैग्नेटिक लॉक्स दिए गए हैं। सो देखा जाए प्राइसिंग के हिसाब से और फास्ट ट्रैक ब्रांडिंग के हिसाब से अच्छा खासा लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल स्पोर्टी लुक। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.0, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 9mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, वॉइस असिस्टेंट फीचर भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको 6 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम मिलेगा और 8 आवर्स का कॉलिंग प्ले टाइम मिल जाएगा विद दिस पर्टिकुलर वायरलेस नेक बैंड। सो देखा जाए प्राइसिंग के हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा तो नहीं दिए गए हैं, जो कि आपको दूसरे ब्रांड्स में इस प्राइस में आपको मिल जाते हैं, बट फिर भी अगर हम ब्रांड वैल्यू को देखेंगे, अच्छा खासा इनिशिएटिव लिया इन्होंने नेकबैंड सेक्शन में आके। इनकी सबसे अच्छी प्लस पॉइंट मुझे ये लगी कि इसका जो लुक एंड फील है बिल्कुल आपको स्पोर्टी लुक का नेकबैंड मिल जाएगा, और यहाँ पे हालांकि दूसरे नेकबैंड में यहाँ पे आपको राउंड शेप का आपको देखने को मिलता है नेकबैंड, बट यहाँ पे आपको रेक्टेंगल शेप का मिलने वाला है नेकबैंड, और अच्छी खासी सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया गया है, जैसे आप नेक पे लगाएंगे बिल्कुल सही तरीके से आपके नेक पे प्लेस भी हो जाएंगे, और काफ़ी लाइट वेट है, 24 grams इनका जस्ट वेट। एंड लुक एंड फील बिल्कुल आपको स्पोर्टी मिल जाएगा, काफ़ी हद तक अच्छा इंप्रेसिव लुक एंड फील भी मिल जाएगा। एंड इसके जो ईयर कप्स दिए गए हैं, ईयरबड्स बिल्कुल कानों में प्रॉपर तरीके से पैक होते हैं, अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा पैसिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी प्रोवाइड कर देंगे। इसको आप हैवी वर्कआउट्स के लिए, रनिंग के लिए भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, कानों से बिल्कुल गिरेंगे नहीं, और अच्छा खासा पैसिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर भी देते हैं। अगर आप ईयरबड्स लगाएंगे कानों में तो आप कह सकते हैं 80% बाहर की नॉइस वैसे ही कैंसिल हो जाएगी बिना किसी म्यूजिक प्ले किए भी। एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे मल्टीफंक्शन बटन मिल जाएंगे, 3 आपको बटन्स मिलने वाले हैं, इनके थ्रू ही आप सारे के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। जो सबसे लेफ्ट में एक छोटा सा बटन दिया गया है पावर ऑन ऑफ का बटन है, इससे आप सिंगल प्रेस से म्यूजिक प्ले, म्यूजिक पॉज भी कर सकते हैं, आंसर और रिजेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। एंड इसी को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर भी एक्टिवेट हो जाएगा। प्लस माइनस का ऑप्शन दिया गया है, प्लस को प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्लस को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। सारे के सारे फंक्शंस आप इनसे ही एक्सेस कर सकते हैं, और अच्छा खासा प्लेसमेंट है देखा जाए बटन्स का, छोटे छोटे प्रॉपर आपको बटन्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बटन्स को लेकर और इसके बटन्स के फीचर्स को लेकर। एंड अगर हम बात करेंगे अभी गेमिंग एक्सपीरियंस की, हम करेंगे अभी गेमिंग टेस्ट, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे गेमिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। Thank you.
सो हो सकता है आपको एक अंदाजा लग गया होगा इससे गेमिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। मैंने वन प्लस सेवन में गेम मोड ऑन करके कॉल ऑफ ड्यूटी खेला और मुझे अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल गया। मुझे काफी हद तक क्लैरिटी मिल रही थी म्यूजिक में गेमिंग के टाइम पे, लेफ्ट राइट अच्छे से मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा था और हल्का फुल्का आपको हल्का सा ना के बराबर लैग फील होगा। बट अगर इसको आप 3 से 4 घंटे भी डेली गेम्स खेलते हैं तो इसको आप कंसिडरेशन में रख सकते हैं, अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। बट यहाँ तक पहुँच के आपने लाइक नहीं किया है तो थैंक यू। अब हम करेंगे म्यूजिक एक्सपीरियंस की, बेस एक्सपीरियंस और कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात। सो इसमें आपको साउंड क्वालिटी काफी हद तक लाउड मिल जाएगी। अगर हो सकता है अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले, फुल वॉल्यूम पे हल्की फुल्की ना के आपको डिस्टॉर्शन आवाज़ लग सकती है। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको बेस्ट क्लैरिटी के साथ म्यूजिक मिल जाएगा। आप अच्छे से लेफ्ट राइट को भी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जो मिड्स लोज और हाइज हैं उनमें भी आप अच्छे से वेरिएट कर पाएंगे। बात करेंगे बेस की। बेस भी इसमें अच्छा खासा प्राइसिंग के हिसाब से पावरफुल और बूस्टेड दिया गया है। बहुत ओवर पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है, बट अगर आप बेस लवर्स हैं, अगर आपको बेस वाले म्यूजिक इफेक्ट्स पसंद हैं तो उसको आप बेस के लिए भी कंसेशन में रख सकते हैं, अच्छा खासा आपको एनहांस बेस मिल जाएगा। बात करेंगे कॉलिंग की। मैं आपको एक कॉलिंग टेस्ट देता हूँ, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। सो अभी जो आपसे बातचीत हो रही है नेक बैंड के थ्रू बातचीत हो रही है, अच्छा खासा बहुत ही लाइट वेट नेक बैंड दिया गया है, कानों में बिल्कुल सिक्योर तरीके से फिट हुआ है। आउटडोर कंडीशन में हम कॉलिंग टेस्ट कर रहे हैं जो भी आपसे बातें कर रहा हूँ, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि सामने वाला पर्सन कैसे सुन पाएगा इस नेक बैंड के थ्रू। एक छोटा सा कॉलिंग टेस्ट है ये मेरी तरफ से। सो आउटडोर कंडीशन की कॉलिंग देख के आपको अंदाजा लग गया होगा इससे कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलने वाला है। कॉलिंग का हिसाब किताब ऐसा था, सामने वाला मुझे 80% सुन पा रहा था, 20% उसको हल्की हल्की बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, बट मेरी आवाज़ काफ़ी हद तक उसको क्लैरिटी के साथ जा रही थी। कॉलिंग इसमें काफ़ी हद तक इंप्रेसिव दी गई है। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी को। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 4.3 out of 5, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 4.4 out of 5 और मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 4.4 out of 5। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेक बैंड, अप्रॉक्सिमेटली 1800 rupees। सो अगर आपको एक स्पोर्टी लुक का नेकबैंड चाहिए जिसमें आपको लुक एंड फील से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, काफी लाइट वेट नेकबैंड है, प्लेसमेंट बटन्स का अच्छा खासा दिया गया है और यहाँ पे आपको मैटलिक मैट फिनिश का लुक एंड फील भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको मैग्नेटिक लॉक्स मिलने वाले हैं, ये मैग्नेटिक लॉक्स हैं, कोई स्पेशल फंक्शन की तरह काम नहीं करते, सिर्फ मैग्नेट्स की तरह चिपके रहते हैं। लुक एंड फील से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, आपको अच्छी खासी साउंड क्वालिटी, पावरफुल बेस क्वालिटी और अच्छी खासी कॉल क्वालिटी भी मिल जाएगी, गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी हद तक एनहांस मिल जाएगा। प्राइसिंग के हिसाब से, ब्रांडिंग के हिसाब से अगर आप एक स्पोर्टी लुक का नेकबैंड लेना चाहते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, इसको आप कंसेशन में रख सकते हैं, अच्छा खासा ऑप्शन है। मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दे दिया, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो या कुछ पूछना हो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स ट्यून्स FP1 वायरलेस नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.